यशम कहाँ पर है? शिफ्टिंग कर रही होगी वो। मैं अभी उसके कमरे में जाके देख के आया हूँ, वो पैकिंग कर रही है। निहाल जाओ जाके उसकी हेल्प करो। क्यों? अरे मैं क्यों हेल्प करूँ उसकी, मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ यहाँ से। ठीक है तो जाओ जाके कोई नई मुसीबत खड़ी कर दो, कुछ भी करो, मुझे दादा से कुछ बात करनी है। चलो अब जाओ। क्या बात है बेटा? लेकिन हम भी तो यहाँ दादा से कुछ बात कर रहे थे। निहाल कहा ना बात करनी है, जाओ। चलो आ जाओ, चलो चलो जाओ, चलो आप ही जाओ यार। चलो चलो शाबाश, याद से दवाई देना। हाँ तो बेटा क्या बात है? दादा पहले तो आप ये दवा ले लीजिए। आखिरी बार जब तुमने मुझे ये दवा दी थी तो उस वक्त यशीम को अगवा किया गया था, अब क्या बात है? पहले आप दवा तो ले लें। या अल्लाह अब बता भी दो। यशम के लिए एक सरप्राइज है, शायद आपको अच्छा ना लगे लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। अच्छा आप दवा खा लें पहले। देखो अब मुझे वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। चलो अब बताओ मुझे। अम्मी घर आ रही हैं। क्या? ना सिर्फ आ रही हैं बल्कि यशम की शादी में भी आएंगी। क्या? ना सिर्फ शादी में आ रही बल्कि कुछ देर में घर पे भी आएंगी, ये बताना था। क्या? आ गई। काफी अरसे बाद मिले हैं ना मेफ्तून। तुम यहाँ पर क्यों आई हो सदफ? बस आ गई। तुम तो ये ऐसे बोल रही हो जैसे शॉपिंग करके आई हो। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए, अब यहाँ आने का क्या मकसद है? हाँ क्या मकसद है तुम्हारा? मेफ्तून आपा। यालिन बेटा देखो कुछ भी मत करना, देखो तुम्हें खुदा का वास्ता है यालिन। इजी हो जाए, मैंने ही बुलाया इन्हें। हाँ? सच में यालिन तुम क्या मतलब कि तुमने बुलाया इसे? क्या मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रही, लेकिन क्यों? आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं बाबा? ये यहां यशम के विष थी, वो अपनी मां के होते हुए रुखसत होना चाहती थी। मेफ्तून आपा कौन आया है घर पर? शादी खत्म हो जाए फिर बात करूंगा तुमसे। अम्मी आप आप यहां? भाई ने बुलाया है। भाई ने? मैं बस तुम्हारी विश को पूरा करना चाहता था यशम। कैसे कैसे पता आपको? मतलब अम्मी शादी में आने वाली है?
मतलब आप खुद लेकर आए ने? हाँ मैं। अम्मी आएंगी शादी में? मेरी अम्मी आएंगी मेरी शादी में? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। या अल्लाह कितनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती इस वक्त, कितनी ज्यादा खुशी हो रही है मुझे दादा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी ख्वाहिश आपने पूरी कर दी भाई, आपने पूरी कर दी मेरी ख्वाहिश, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई, बहुत ज्यादा। आपका शुक्रिया अदा मैं किस तरह करूँ भाई, मेरे यही समझ में नहीं आ रहा भाई, नहीं कर सकती मैं। ठीक है, अब बस कर दो यश। मुझे यकीन है कि सबको काफी बातें करनी होंगी, तो इसलिए अब मैं चलता हूं। चुप रहना बिल्कुल। फाइनली हम सब लोग साथ बैठे हुए हैं। क्यों सिनान, मेरी बात सुनो, कल किसी किस्म की कोई बहस नहीं होगी और शादी बहुत डिसेंट तरीके से होगी, ठीक है? बात सुनो पोलाद, तुमसे फिर से कह रहा हूं मैं, मेरी शादी खराब नहीं होनी चाहिए, सुन लिया कान खोल के? क्यों खराब करूंगा मैं, आखिर मेरे भाई की शादी है। मुश्किल तो खैर है तुम्हारे लिए, और जितना मैं तुम्हें जानता हूं ना, तुम खुद पर कंट्रोल रख ही नहीं सकते हो। और सुनो, लड़कियों को ताड़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तुम खुद ही देख लेना, मैं मुक्का मार के ना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा, इसे बिल्कुल मजाक मत समझना, क्योंकि ये सीरियस बात है। बिल्कुल फजूल हरकतें मत करना वहां पे, वरना तुम्हें बाहर निकालने में एक मिनट भी नहीं लगाऊंगा मैं। अगर उन्होंने खुद कुछ किया तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सबर दे, अल्लाह सबर दे, सबर। और वहां सॉकर खेलने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम्हें, वहां कोई मैच नहीं हो रहा होगा, शादी है वो, शादी। अगर वो खामोशी से तरबजोन के एहतराम में खड़े होंगे तो फिर मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। तुम कोई इतने स्पेशल नहीं हो कि वो तुम्हारे लिए एहतराम में खड़े होंगे। क्यों, उन्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या, इसलिए खड़े होंगे? नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता, मना भी किया था इसको नहीं बुलाना। बात सुनो, तुम्हें वहां पे खुद पे काबू रखना होगा, समझ में आई तुम्हारे? और क्या करूं मैं, इससे तो अच्छा मैं बाहर ही खड़ा रहूं। पोलाद, अब हद हो गई है यार। क्या हद है, मैंने अब ऐसा क्या कह दिया? नहीं नहीं, किसी को समझ भी नहीं आती, मुझे पहले से इस बात का अंदाजा था कि ये मुझे दूल्हा बनने से पहले कातिल बनाकर ही छोड़ेगा, उससे पहले सबर नहीं आएगा इसको। अच्छा ठीक है, काम डाउन यार। एक बार फिर सुन लो पोलाद परुची, अगर तुमने वहां यशिम की बेइज्जती करने की कोशिश की या अगर कोई हैवानियत दिखाई तो मैं तुम्हारे दो टुकड़े कर दूंगा और कोई नहीं रोकेगा मुझे। लो, इतनी सी बात है, हैवान का कोटा तो ये पूरा कर देगी ना तुम्हारे साथ, बंदर की तरह चिपकी होगी। चलो गरम गरम चाय लाई हूँ। चली गई? हाँ।
भाईजान, मैंने आपको बहुत गलत समझा यार। आपने कैसे अम्मी को बुला लिया यार? मैं जितना चाहे आपका शुक्र अदा कर लूं, एहसान नहीं उतार सकती, नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं, डेफने को थैंक्स कहो तुम। उसे क्यों? उसी ने मुझसे इस बारे में बात की थी। क्या कहा था? उसने कहा चाहे तुम्हारे साथ गलत क्यों ना करे, लेकिन तुम उसे फिर भी प्यार दो, उसका दिल कभी मत तोड़ो। देखने भी ना, लेकिन देखने ने तो आपके साथ गलत किया था ना, तो आपको तो उससे और ज्यादा प्यार नहीं हुआ क्या? मिस कर रहे हैं? बता दे मुझे यार, जब आप उसे इतना मिस कर रहे हैं तो जाकर बता क्यों नहीं देते ये बात? कभी नहीं। यहां बैठकर कर क्या रहे हैं आप? पता नहीं। आपको सब पता है, उसने आपके लिए खुद को खत्म करके रख दिया। जैसे कि आपने खुद की कुर्बानी देखी, मेरे लिए ना चाहते हुए भी आप गए और जाकर अम्मी को यहाँ लेकर आए सिर्फ मेरी ख्वाहिश के लिए। मैं कब इनकार कर रहा हूं? तो ये बात उसको भी तो जाकर बतानी चाहिए ना यार। मैं तो ना अब जिंदगी भर डेफने की शुक्रगुजार रहूंगी, शुक्रगुजार। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, ये कम से कम उसे भी तो पता होना चाहिए ना कि किसी ने उसके लिए भी कुछ अच्छा सोचा है, अच्छा किया है। उसने मुझ पर इतने एहसान किए और मैंने क्या किया? मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया यार। प्लीज भाई, आप खुद पर इतने ज्यादा जुल्म नहीं कीजिए। जाए जाके कह दे उसे सब, चाहे आपको आपका दिल का एक हिस्सा रोक ही क्यों ना रहा हो। लेकिन दूसरे हिस्से में तो डेफनी के लिए प्यार बहुत ज्यादा छुपा हुआ है ना, तो बता दे मैं सब, प्लीज। मुझे सोचना दो प्लीज। फिर क्या करेंगे? फिर से वही सब करेंगे? देखिए, मैं जानती हूं कि डेफनी थोड़ी पागल जरूर है वो, लेकिन असल में वो आपको भी पागल कर देगी अगर वो आपसे दूर रही तो, ये बात भी आप जानते हैं। रिफ्की, जरा संभल कर, भाई बहुत गुस्से में है। इसे अभी तक संभाल के रखा हुआ है तुमने? हाँ बिल्कुल, और क्यों नहीं संभालती मैं से? अच्छा सुनो, रिफ्की के साथ तमीज से रहना, वरना सुबह एसकी आकर आपका बहुत बुरा हाल करेगी। हाँ, वो भी कर लेगी तो क्या हुआ? रिफ्की, उठाओ इस बदतमीज को। हट जाओ रिफ्की, हट जाओ, हट जाओ, ताकि ये यहाँ सो सके। मुझे यकीन है कि यहाँ पर इनकी नींद बहुत अच्छे से पूरी हो जाएगी। क्या क्या कहा तुमने? मैं कभी नहीं सोऊंगा यहाँ पे। ये सोफा मेरे लिए छोटा है। हाँ? तुम सो जाओ यहाँ पे, मैं तुम्हारे रूम में सोऊंगा जाके। बहुत ज्यादा ही होशियार है ये, होशियार भी।
ये नजारा देख के तो पत्थर भी पिघल जाएगा। कैसे हो तुम यालिन? मैं ठीक हूं, तुम सुनाओ। यहां क्यों आए? डेफने बाजी को परेशान करने? बड़ा ख्याल है, हद है। देखो, मैंने अभी तक तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन ये ठीक नहीं है। तुम उसे बीमार कर दोगे। आदम, तुम दूर रहो। एटीट्यूड देखो अपना, उसके बाद मुझे कुछ कहना है यालिन। सोशल मीडिया पर मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मैंने कुछ किया ना तो तुम्हें लग पता जाएगा। आह मेरे अल्लाह, अब इसके भी फॉलोअर्स हैं। क्या करती हो यार, खिड़की खोल के सोने चली गई, कौन ऐसे छोड़ सकता है। डेफने, उठो। डेफने उठो, मैं तुम्हें थैंक्स कहने आया हूं। तुम कैसे आदमी हो यालिन, मारने आए हो या थैंक्स कहने आए हो? डेफने, उठो ना यार, मुझे शुक्रिया कहना है तुम्हें, बात करनी है तुमसे, उठो। डेफने, अरे ये कौन है? क्या हो रहा है ये? तुम कौन हो? हाथ छोड़ो मेरा। नहीं, मैं उड़ूंगा। चोरी करने आए हो क्या? मैं तुम्हें अपने दांत से दूंगा। क्या हो गया है? अब क्या आप अपने घरों में भी लड़ाइयां करेंगे? तुम डेफने के बेड पे क्या कर रहे हो? हाँ बताओ मुझे। असल में तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चोर हो क्या? डेफने, कौन है ये? किसका पूछ रहे हो तुम? डेफने, तुम होते कौन हो डेफने से सवाल पूछने वाले चोर? मैं डेफने का बॉयफ्रेंड हूँ, सुना तुमने? बॉयफ्रेंड हूँ इसका। बॉयफ्रेंड नहीं हो मेरे, एक्स बॉयफ्रेंड हो। इतनी जल्दी भूल गए हो क्या तुम? ठीक है तो तुम याद दिला दो पहले। सब याद दिलाती हूँ, सिर्फ 2 मिनट रुको तुम। डेफने, क्या मतलब है एक्स बॉयफ्रेंड का? मैं इसका खून कर दूंगा। देखिए जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, चाहे तो इससे पूछ ले। डेफने, तुम मुझे खुद बताओ। तुम मेरी गर्लफ्रेंड से ऐसे बात नहीं कर सकते, समझे छोकर? अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, भूल क्यों जाते हो भाई? अच्छा तो ये बात करनी है, बताओ ये आदमी कौन है? पहले तो तुम मुझे ये बताओ यहाँ आए क्यों हो? पहले तुम मुझे बताओगी क्या मतलब एक्स बॉयफ्रेंड का?
कौन है ये? चाहे जो कोई भी हो, हाँ? तुम्हें इससे क्या? कौन हो तुम? यारिन! भाई हूँ मैं, इसका भाई हूँ। पोलाद है? हाँ बिल्कुल वही है ये। वाह वाह। पहले तो खुश आमदीद मेरे भाई, और मुझे माफ कर देना। क्या क्या यारिन, तुम्हें बताया तो था कि ये मेरे भाई हैं, फिर क्यों मारा तुमने उन्हें? वो तुम्हारे दोनों भाइयों ने मुझे मारा तो एक को मैंने मार दिया। गेट वेल सून ब्रदर। हो गई है मेरे प्यारे भाई, उठ जाए। मैं इसका भाई हूँ। हाँ भाई, हो गया है मैदान साहब। अल्लाह अल्लाह, यहां तो हर शख्स की एक्शन है। बस बहुत होगी, अब बताओ मुझे। अच्छा बात सुने, मेरे तीनों भाइयों में से आप सबसे समझदार हैं। और मैं तुम्हारी सारी चालाकियां भी समझता हूँ। शायद आप ही मेरी बात को समझें। तुम मुझे कन्विंस कर रही हो? शायद तुम्हें मेरी बात समझनी है। तुम सबसे समझदार हो मेरे भाइयों में। नहीं, बात सुने ना, हमेशा से आपने मुझे समझा है। मैंने कुछ गलत कहा है क्या? मुझे याद है जब कोई भी मेरी बात नहीं समझता था तो सिर्फ आप ही समझते थे भाई। क्या तुम वाकई सच कह रही हो? बिल्कुल। तो फिर बोलो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन क्यों? वो तुम्हारा हाथ पकड़ता, किस करता तुम्हें, ये नहीं सोचा था मैंने। भाई अब आप देखिए ना कि आप गलत बात कर रहे हैं। हाँ। कुछ मत कहिए, चले जाएं यहाँ से आप बहुत ही दूर। तुम पागल हो गई हो क्या? बताओगी या कब्र में भेजूं और खुद जेल चला जाऊं मैं? ठीक है, मुझे प्यार हो गया था और फिर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई और वो मुझे छोड़ के चला गया। तुम्हें प्यार हो गया था? बिल्कुल। उससे? उसी से। आगे बताओ। क्या करूं, नीयत साफ थी मेरी लेकिन अनजाने में गलती हो गई मुझसे। ये दूसरा पार्ट तो मैंने बहुत किया है। लग रहा है कुछ तो बुरा हुआ है तुम्हारे साथ, है ना? ऐसे ही अपसेट नहीं हो? हाँ वाकई, बहुत ज्यादा लग रहा है क्या? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूं। बहुत हर्ट हो गया।
बहुत ज्यादा हर्ट हुई हूँ। मुझे ऐसे लगा जैसे पूरी दुनिया के जुर्म मैंने ही किए हों। जबकि तुमने सिर्फ प्यार किया था। इधर आओ। यशिम, तुम एक काम करो, ये सारे कपड़े घर ले जाओ। सुबह जाकर मैं इन्हें तरतीब से रख दूंगी। क्या मेरे घर? हाँ बिल्कुल। अभी नहीं, मैं तो भाई मास्क लगाने वाली हूँ। अभी भाई को बोल दूंगी, वो ले जाएंगे, ठीक है ना? मैं तो चली चली चली। हाय, जल्दी आ जाओ। हाँ, ये तुम सिनान के घर ले जाना, दूल्हा और दूल्हा दोनों यही खाएंगे। मैं कैसे करूँ ये? मुझे तो अभी हेयर स्टाइल भी बनाना है अपना। हाँ, डेफने से कह देती हूँ कि वो ले जाए। हाँ ठीक है, जाओ, बोल दो। हाँ, उसे। हाँ, हाँ, जल्दी जल्दी। भाई यार, एक मिनट, आप मेरा एक काम कर देंगे, मेरा सामान उठाकर घर ले जाएंगे क्या? हाँ, ऐसा करेगा ना, होटल से वहां चले जाएगा। ये फिर से डेफने और मुझे मिलाने की एक साजिश होगी, क्यों? ठीक कहा ना यशम? मैं अपनी शादी वाले दिन ये सब सोचूंगी क्या यार? हाँ, कसम से ये तो जहन में भी नहीं आया। मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। अब प्लीज मेरे बैग्स गाड़ी में रखें। शुक्रिया शुक्रिया आपका एडवांस में। बाय 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 बाय। हाँ डेफने भी नहीं जान, ये तुम पेस्ट्रीज और मीठा अपने भाई के घर ले जाओगी। मुझे भी बहुत सारे काम है, फिर तुम वहीं से होटल आ जाना। देखो मैं समझ गई हूँ कि तुम और यशम मिलकर मुझे और यालिन को मिलाने की कोशिश में लगे हुए हो। शादी वाले दिन मैं ये सब क्यों करने लगी? मैं दानिश नहीं हूँ। मिठाइयाँ नीचे रखी हैं, जल्दी से आ जाओ। चलो। निहाल, अगर तुम यशम के घर उसके बैग्स ले जाओगी तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। ठीक है। बैग्स गाड़ी में रखे, ये पकड़ो चाबी, ध्यान से। कैश प्लीज। भाईजान, अगर आप सिनान भाई के घर पेस्ट्रीज पहुंचा दें तो आपकी पोस्टर का ध्यान मैं रख लूंगी। प्रॉमिस? जी बिल्कुल, ये लीजिए मेरी गाड़ी की चाबी, ध्यान से चलाइएगा। अब हो गया ना ये बेहतरीन। फ्रूट। कैसे हो बैम्बी? क्या कहते हो, थोड़ी आउटिंग हो जाए क्या? Hey, Pinky!
अगर किसी ने बकवास की मेरी ड्राइविंग पे तो पहले मैं तुम्हें और बाद में उसे मारूंगा। दानिश। हाँ। मैं होटल जा रहा हूँ, सारी तैयारी देखूंगा, तुम दादा और सबको लेकर आ जाना। हाँ हाँ तुम जाओ। अच्छा सुनो, प्लीज यार मुझे और डैफने को मिलाने के लिए कोई कोशिश मत करना, बेचारी लड़की वो वहां घर पे वेट कर रही होगी। इसे क्या हुआ? हाँ एस्की, मुझे होटल पहुंचना है, गेस्ट किसी भी वक्त आने वाले होंगे, तुम लोग भी जल्दी से तैयार होके आ जाना। ठीक है। हाँ एक और बात, तुम खुद भी सुन लो और तुम यशम को भी मेरा ये मैसेज दे देना प्लीज कि मुझे और यालन को अब मिलवाने की कोशिश ना करें। ठीक है? इसे क्या हुआ? तुम? मैं? क्या मैं तुम्हें जानता हूं? नहीं जानते। एक मिनट रुको, हम बिला वजह टकरा गए, लगता है ये किसी बात की निशानदेही है। ये बस मेरी बेवकूफी ही है। अच्छी भली हो, बस दिमाग नहीं है। हाँ हाँ सही कहा तुमने। वाकई में? हाँ वाकई अल्लाह मियां ने अच्छी खासी सेहत दी है, बल्कि माशाल्लाह अच्छी खासी सेहत है तुम्हारी। तुम्हें इससे क्या, मेरी सेहत अच्छी हो या बुरी, दिमाग है मेरे पास, दिमाग। मजाक में की हुई बात सच हो गई और अब वक्त भी गुजर चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अपनी फ्लाइट के बारे में पूछना चाह रही थी आपसे। जी रात 12 बजे की है। ठीक है होल्ड पे हूँ। उस गाड़ी को छोड़ो, यहाँ आओ हमारे साथ बैठ जाओ। गाड़ी रोक जरा। तुम शायद एक बात भूल रहे हो, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि जब हम दोनों एक साथ होते हैं तो तुम्हारा मुझसे दूर रहना मुश्किल होता है। और किसने कहा था कि तुम्हारे होते हुए मैं अपना नाम तक भूल जाती हूँ? वो सब कुछ मासी था, अब ना तो वो यालन है और ना ही वो डेफने।